नया करना है जिससे सोए समाज की और अंधे कानून की आंखें खुल जाए। स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म, मिस्टर वर्धन पुरी, मिस्टर गौरव, ऐश्वर्या जी, पांडे जी, प्लीज यहाँ पे आए। सर, एक्चुअली बहुत ही आसान जवाब है सवाल का। जब ऐसी स्टोरी होती है तो हाँ बोलने में देरी नहीं लगती है, देर नहीं लगती है। जैसे ही मैंने ये कहानी सुनी, सर ने, शांतनु सर ने मुझे कहा था कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं या सिर्फ अंत के 15 मिनट। मैंने कहा आप क्या चाहोगे सर? सर ने बोला मैं पहले आपको क्लाइमैक्स सुनाता हूँ, उसके बाद मैं पूरी फिल्म सुनाऊंगा। जब सर ने अंत के जो क्लाइमैक्टिक 15 मिनट्स मुझे सुनाए, मैंने कहा कि सर आपको फिल्म कब शुरू करनी है मुझे बता दीजिए, शुरू करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बड़ा इजी हो जाता है जब कंटेंट इतना स्ट्रांग हो, जब डायरेक्टर का विजन इतना क्लियर हो, जब नियत साफ हो। जो पहली चीज मुझे पता चली कि सर ये फिल्म इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ये कहानी बताना चाहते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि यार ये फिल्म बनाएंगे तो इतने पैसे कमा सकेंगे, या ये फिल्म अगर बनाएंगे तो नाम बनेगा। इस फिल्म में मुद्दा सिर्फ एक ही था कि मुझे ये कहानी दुनिया को, हमारे इस भारतीय समाज को बतानी है। तो जब नियत आपको किसी आदमी की पता चलती है तो फिर हाँ कहने में देर नहीं लगती जी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है इस फिल्म में वो कुछ अलग है, और उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता पाए, और सबसे पहले तो आपका जो रिस्पॉन्स वो भी जानना चाहेंगे। आई एम श्योर सब सर को जानते हैं, और इनके क्या रिस्पॉन्स सर आपको कैसे लगा पहले तो आप ये बताइए। मैं क्या बोलूँ, मैं तो लास्ट का गाना सर ही गाना नहीं दिखाना था सर आपको। यहाँ पर मीडिया के मेरे जितने बंधु हैं सबको नमस्कार। एक खास बात जो पूरी इस फिल्म में मुझे लगी, इस विषय पर पहले भी फिल्में बनी हैं, लेकिन इस विषय में सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है कि आप मसाला डाल सकें, सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, विषय ऐसा है। उसके बावजूद मैं शांतनु जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतनी सफाई से इस सब्जेक्ट को टच किया है कि आप देखेंगे और ये विषय आपको, मतलब ये समस्या आपको अंदर से हिलाएगी, लेकिन कहीं भी आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्या दिखा दिया। ये सबसे खास बात है इस फिल्म की, क्या पूरी फिल्म देखेंगे आपको अंदर से हिलाएगा ये सब्जेक्ट, लेकिन कहीं भी आप मुंडी परिवार के साथ बैठ के अगल बगल नहीं देखेंगे, सिर्फ फिल्म देखेंगे और विषय टच करेगा। और जब मैंने अपना थोड़ा सा काम देखा तो पहली बार मुझे खुद से घृणा हुई। मैंने बहुत सारी फिल्में एज अ विलन की है, पहली बार लगा कि गलत किया है मैंने। थैंक यू शांतनु जी इस मौके के लिए, थैंक यू सो मच। शांतनु सर बहुत कुछ ये फिल्म कहना चाह रही है, बहुत कुछ आपके भी जहन में होगा जब आपने ये कहानी बनाई, जब इसको डायरेक्ट किया आपने, किस तरह के इमोशंस सर चल रहे थे? इमोशंस ऐसा है कि अभी भी टिल रिलीज होने के बाद भी ये इमोशन कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना बड़ा है समाज के लिए, इसको किसी जाति वर्ग से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। कहानी जिस वक्त दिमाग में आई उसी दिन से चल रहा था कि इसमें कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है नाम से, टाइटल से, ट्रेलर से और सारी चीज़ें देखकर कि विषय रेप के आसपास घूम रहा है। लेकिन जैसे संजय जी ने कहा, इसके पहले भी रेप पर फिल्में आई है, इसके बाद भी आएगी, अनगिनत आएगी, लेकिन कलेक्टिवली किसी ने इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया। हमेशा से होता है किसी की बहन का रेप हुआ है, माँ का हुआ है, बेटी का हुआ है, रिवेंज ले लिया जा रहा है। कलेक्टिवली हमने किसी टॉपिक को, इसको जो एक देखने का नज़रिया होना चाहिए, वो किसी ने अभी तक जोखिम नहीं उठाई। सो मेरा ऐसा था कि रेप रेप होता है,
किसी के साथ भी हो, एक के साथ हो, हजार लोगों के साथ हो या कैसे भी हो, और ये चीजें हो रही है, तो इसको हम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश करने के लिए जो मेरे गाने के एंड में भी आपने डायलॉग सुनाए कि कुछ ऐसा नया करते जिससे सोया समाज, एक्चुअली समाज भी सोया हुआ है और हमारा कानून तो अंधा है ही है, तो उनकी आंखें खोलने की कोशिश करने के लिए ये फिल्म मैंने बनाई है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मेरे से, मैंने इस पे 3-4 दिन पहले भी बात की है, मीडिया में फिर कहूँगा क्योंकि वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग से, जहन से जा नहीं रही है। हमारे सब मीडिया कर्मी हैं, सबको पता है ये न्यूज़ आती है रेप की और चली जाती है, हम थोड़े दिन तक उसके ऊपर थोड़े देर तक गॉसिप करते हैं। मेरा एक सीन था जो मैंने एडिट किया है कि हम, अरे ये देख रेप हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, और हाय ड्यूड कहाँ है, शाम को मिलेगा क्या, ख़त्म, हमारी जवाबदारी ख़त्म। हमें समाज को बदलने की बहुत ज़रूरत है, समाज को, हमें नहीं, मैं नहीं बदलूंगा समाज, समाज को खुद बदलना पड़ेगा। एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना के साथ हम प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ दुनिया को ये दिखाने की जरूर कोशिश करें कि हिंदू धर्म की स्थापना हो रही है हिंदुस्तान में, जो कि ऑलरेडी है, हिंदू धर्म कहीं गया नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करें कि शायद नए से शुरू हो। एक तरफ हिंदू धर्म की परिभाषा पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी हिंदू धर्म की मूल जो मुख्य धारा है कि नारी का सम्मान, क्या हम वो कर रहे हैं क्या? 3 जनवरी की, जनवरी में है हम लोग, 3 जनवरी की न्यूज है, न्यूज 24 लाइव ने दिखाई है, बिहार की घटनाएं जो बहुत निचोड़ चुकी है मुझे अंदर तक, ये घटनाएं बहुत हुई है, फिर बोलूंगा और आगे भी होते रहेगी, जिसको रोकने की मेरी फिल्म के माध्यम से कोशिश है कि एक 6 साल की मासूम का, उसके खुद के पिता ने रात के अंधेरे में घर में बलात्कार किया, उसके बाद उस हैवान ने उसको उठाकर 4 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी नाली में मारकर फेंक दिया और 2 दिन घर से गायब रहा। उसकी माँ ढूंढती रही बच्ची को और बाप को, शायद उसको लगा बाप के साथ कहीं गई है, और जब रिटर्न आई, वो रिटर्न आया कुत्ते का बच्चा, सॉरी, तो वो बीवी को और धमका रहा है कि मैंने परसों रात को बेटी का बलात्कार करके उसको मार को फेंक दिया है, अगर तू पुलिस में जाएगी तो तुझे भी मार दूंगा। आप बताइए किस दिशा के ओर जा रहे हैं हम लोग, कौन सी समाज की परिभाषा दुनिया में दिखाना चाहते हैं? मीडिया ना इस पे कुछ बोल रही है ना बोलेगी, क्योंकि उसकी भी अभी लिमिटेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे आसपास की बहू बेटियां बच्चियां मासूम, अगर खुद के बाप से बेटी आज सुरक्षित नहीं है तो हम कौन से राम राज्य की तरफ दौड़ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है खुद के लिए भी। तो इसी मुद्दे को थोड़ा सा और अच्छे से लोगों के जहन में डालने का, मुझे लगता है कि फिल्म से अच्छा माध्यम नहीं है जो बहुत जल्दी आजकल लोगों से कनेक्ट होता है, तो मैंने कोशिश की है। बाकी तो आप मीडिया खुद इसको एनालाइज कीजिए, जनता एनालाइज करेगी कि मेरी कोशिश सफल हुई या नहीं। वेरी राइटली सेड, कब तक बर्दाश्त करेंगे, यू नो एवरीवन शुड स्पीक अबाउट दिस, यू नो। एक बार जोरदार तालियां प्लीज इसी बात। मेरा सवाल आपसे है सर, शांतनु सर से, क्या आपको लगता है कि अब राम राज्य आ जाएगा? आज का जो करंट सिनेरियो देख रहे हैं समाज में, जो माहौल बन रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? राम राज्य आने के लिए प्रभु राम को खुद ही आना पड़ेगा सर, उनके बिना ये मुश्किल है। कोशिश हो रही है कि जिस तरह से राम राज्य था, सत्य और नारी के सम्मान के लिए योग्य था, उस दिशा में हम चल पड़े, कोशिश हो रही है। आएगा कि नहीं ये तो प्रभु राम के सिवा कोई नहीं बता पाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर, मेरी फिल्म के माध्यम से सिर्फ नारी सम्मान की बात है जो राम राज्य का एक अहम हिस्सा था, बाकी तो राम राज्य सही मायने में एक हर किसी को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। सर, राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है, अब लॉन्च भी होना है, आप क्या देखते हैं फ्यूचर भारत का राम मंदिर के लॉन्च के बाद से, क्या बदलाव आएगा आप मानते हैं?
जिस मंदिर के लिए हमने इतने सालों से मेहनत की, लड़ाई की, झगड़ा किया, अब इसका लॉन्च होता है तो इसका परिणाम या क्या कुछ हो सकता है सर आपके नजरिए से? सर ये तो मुझे लगता है दशमी से हटकर सब्जेक्ट है, हम दशमी पे बात करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इस सवाल का जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है, क्योंकि हम दशमी पे बात करेंगे ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। शांतनु सर, मेरा सवाल आपसे है, राकेश फ्रॉम बॉलीवुड फ्लैश। सो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी फिल्म के लिए फिल्म का प्रमोशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा फिल्म के बारे में, तब तक लोग थिएटर में कैसे पहुंचेंगे। तो मैं देख रहा हूँ सारे एक्टर्स फिल्म को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, इवन वरदान गौरव की बात करें और संजय सर भी यहाँ पर। तो सर जो दो एक्टर मिसिंग है कास्ट में से, तो सर उसका मैं रीजन जानना चाहूंगा कि वो लोग प्रमोशन का पार्ट क्यों नहीं बन रहे। सर आदिल और मोनिका जी की बात कर रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं, क्या था पहले अपनी ये फिल्म की तारीख 12 तारीख थी, तो लोग प्रमोशन का हिस्सा होने वाले थे। मेरे जितने भी स्टार है जो एक्टर्स है उनमें सबसे बिजी स्टार आदिल और मोनिका है, जो बहुत बिजी, उनके पास काम शायद आगे के 3 साल तक उनके डेट्स नहीं है। सो एक हफ्ता आगे जाते ही थोड़ा सा, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर की तकलीफ समझता हूँ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दूसरा प्रोड्यूसर मर जाएगा तो मैं मर गया चलेगा, मैं दूसरे प्रोड्यूसर को नहीं मार सकता हूँ। तो मैं प्रोड्यूसर की तकलीफ समझते हुए उनको मैंने छूट दे दी कि आप प्रोजेक्ट कर लो, दशमी के लिए मेरे पास वरदान और गौरव है जो अपने कंधे पर, और दशमी अपने आप में दशमी है जो उसको उठा लेगी। Hello, you're this side. Hi, this is Asta from Awesome TV. My question is to Vardhan. Vardhan, you coming from a Bollywood background already, okay? There is a lot of pressure because actors are doing massive films now. Actors are seeing their graph in an other way. Here, you're doing content-driven films, which is very good and very nice. I see this concept, I really like it. But what is your thinking beyond this, you know, for choosing such kind of concept and, you know, not going for a massive film? आपका नाम क्या बताया? आस्था। हाय आस्था। हेलो। नाइस क्वेश्चन। देखो मैं मानता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक फनकार हूँ। मेरी जो शुरुआत है वो थिएटर से हुई। जब आप थिएटर से शुरू करते हो तो हर फिल्म का जो हीरो है आप स्क्रिप्ट को मानते हो। मेरे लिए स्क्रिप्ट हमेशा से हीरो रहती है। दूसरी बात, एक मिक्स्ड बुके ऑफ फिल्म्स जब आप करते हो ना तो आपका जो दिल है, आपकी जो रूह है वो खुश हो जाती है जब आप आर्टिस्ट होते हो। तो आई हैव अ मिक्स्ड बैग ऑफ फिल्म्स। कुछ मेरी कमर्शियल फिल्म्स हैं, आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स जो मैं अब कर रहा हूँ। ये एक कंटेंट ड्रिवन कमर्शियल फिल्म है। इस फिल्म में वो सारे कमर्शियल एंगल्स हैं जो एक फिल्म को फिल्म बनाते हैं। तो ये कंटेंट के साथ साथ ये उतनी कमर्शियल है जितनी मेरी दूसरी फिल्म है जो आने वाली है। तो मुझे लगता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा तकनीक लगाकर सोचता है कि ये कैसी फिल्म है, इसको कैसे स्लॉट करे, ये मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो वो थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा एक प्योर आर्टिस्ट रहूँ। जब मुझे किसी चीज़ की स्टोरी अच्छी लगे मैं हाँ बोल देता हूँ और डायरेक्टर के जहन से शादी कर लेता हूँ, उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनको भगवान मान लेता हूँ और उनकी बात का पालन करके फिल्म करता हूँ। तो इन माय मिक्स्ड बैग ऑफ प्रोजेक्ट्स दशमी इज अ जेम। दशमी इज अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ। दशमी इज, आप जब भी देखेंगे आपको समझ में आएगी ये बात कि क्यों हम इस फिल्म को दिल से प्रमोट कर रहे हैं। दिस फिल्म डिजर्व्स टू बी टोल्ड टू एवरी इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आफ्टर दैट टू एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये फिल्म हिंदुस्तान की है पर ये सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया के हर नागरिक के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है और आप प्लीज जाकर देखें। थैंक यू। हाय, मेरा नाम सूर्या है, बॉलीवुड क्रेजी से। शांतनु जी आपसे सवाल ये है, जब एक
एक सॉन्ग लॉन्च हुआ था जहाँ पे आपने वीडियो नहीं दिखाया था हमें, सिर्फ एक सॉन्ग हमें बस सुना दिया था, तभी से बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में और शायद सभी के मन में कि यार ये क्या डायरेक्टर काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है अपने काम को लेकर, क्या लगता है ये डिलीवर कर पाएगा या नहीं अभी तक। लेकिन आज जब मैंने कुछ गाने देखे, ट्रेलर देखा, लास्ट में जो जिंदगी जो सॉन्ग की आपने कुछ झलके दिखाई, मैं अभी से यहाँ पे भावुक हो गया। शायद सर ने भी साफ कहा कि गाना दिखाना चाहिए था, फिल्म के लिए छोड़ना चाहिए था। तो एक फिल्म बहुत ही कम ऐसी बन रही है आजकल जो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट हो पाती है, और आपकी ये ट्रेलर और गानों से देखकर लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे तो कनेक्ट किया है। तो आप क्या श्योर थे कि ये डिलीवर आप कर पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट सोचना उसके बाद वो डिलीवर करना वो इतना आसान नहीं होता, अभी तक मुझे लग रहा है आपने डिलीवर किया है, तो ये जो प्रोसेस था ये क्या लग रहा था आप कर पाएंगे और कितना हद तक आप अभी तक सक्सेसफुल इसे मांगते हैं अभी? मेरे कोस्टार और जितने भी लोग मेरे से फिल्म से जुड़े उनको एक बात पता है जो मैं हमेशा कहता हूँ, शोले बनी नहीं, कोई बनाता नहीं, बन जाती है। तो दशमी की जब पहली लाइन लिखी थी मैंने, तो दशमी ने अपना मुकद्दर खुद बना लिया था और ये चीज़ें बनती गई। मैं कोशिश नहीं छोड़ी, मैंने मेरा काम था अच्छे फिल्म, इमोशनल फिल्म, जो मेरा मैसेज है सही तरीके से लोगों तक जाए, मैं कोशिश करता रहा और दशमी अपना पड़ाव खुद आगे बढ़ती गई। जैसे कि किसी का सवाल था राम मंदिर के दिन रिलीज तक क्यों आई, ये फिल्म को जून महीने में आना था, हमने कुछ भी नहीं सोचा इसके बारे में, अपने आप चीज़ें होती गई है। और हमको जितना हम ऑनेस्टी से, सच्ची नीयत और साफ दिल से जितनी मेहनत करनी थी हमने इस पर किए, क्योंकि हम जेन्युइन एक मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं इमोशनली। आप सबको हैरान होगा शायद कि ये, जैसे संजय जी ने भी कहा है कि रेप के ऊपर सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी गर्दनें झुकेगी नहीं, आप जुड़कर एक मैसेज लेकर जाओगे। रेप के ऊपर फिल्म होने के बावजूद भी किसी लड़की को किसी ने छुआ नहीं है, शायद ही पहली फिल्म होगी जो इतने भयानक टॉपिक पर हम बात करने के बावजूद किसी भी तरह का कोई भी सीन उस फिल्म में नहीं है। मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरे साथ एक लड़की है, बहुत सफाई से किया इन्होंने। शांतनु सर, मैं दिलीप यादव न्यू जर्सी से बात करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल दिलीप भाई आप पूछ लीजिए। पूरा ट्रेलर जो है बहुत शानदार है और पोस्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में, ट्रेलर के लास्ट में दो व्यक्ति को जलाया जाता है और स्टार्ट में काफी अपराधी लोग अपनी जो है गुनाह को कबूल करते हैं, क्या रामराज इस तरह आएगा कि जो गुनाहगार हैं उन्हें जलाया जाएगा, इस तरह फिक्शन दिखाया जाएगा? फिल्म के लिए कुछ छोड़िए सर, कुछ तो फिल्म के लिए छोड़िए। ऑलराइट, सैफ एक सवाल शांतनु सर, आपने जो फिल्म बनाई है दशमी, कहीं ना कहीं प्रो हिंदू शायद है, 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, क्या आप भी इनवाइटेड हैं, आप जाने वाले हैं? नहीं सर, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी तक। Alright, thank you, ladies and gentlemen. That was the last question, or we'll proceed for the one-to-one interactions now. Photo up कर लेते please, सब पूरे team के साथ। मेरा सवाल है शांतनु सर, आखिर सिसोदिया, मुझे ऐसा लगता है आपने फिल्म दिल से बनाई है, दिमाग से नहीं, आपकी क्या राय है? आपको जो लगता है वही मुझे लगता है, दिल से बनाई है, पूरे दिल से। सर कुछ सवाल? थैंक यू यार, आपने समझ लिया मेरे दिल को, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, शाम को चाय पियेंगे साथ, दिल की बातें और शेयर करेंगे। Let's do the photo ops now, guys.